श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां स्मरण को आई टूटे हुए आफरीन बानो फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर। अपना शत प्रतिशत देने का संकल्प लेता हूँ। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल, दूसरा सवाल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में एवरेज लोग जो हैं स्क्रीन टाइम देते हैं कितने घंटे? 6 hours। वेरी गुड, अपने लिए तालियां बजाइए। हमारा तीसरा सवाल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत। जोरदार तालियां अपने लिए। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें फास्टिंग करनी है, किस चीज की? डिजिटल फास्टिंग। एक बार फिर से आप सब अपने लिए तालियां बजाएंगे। समय की कमी है, सवाल बहुत है, लेकिन अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। और जैसा कि हम पहले भी सुन रहे थे, जब कार्यक्रम शुरू नहीं हो पा रहा था, ये जो विद्यार्थी है कहीं तो कल का भविष्य है। 2023 इस कार्यक्रम में जो कि टीचर भवन में आयोजित किया गया है, और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में स्कूल एजुकेशन की तरफ से हमारी बहन कांता देवी स्पेशल सेक्रेटरी, अनु दहती स्पेशल सेक्रेटरी, अहमद साहब स्पेशल सेक्रेटरी, दीपपाल जी स्पेशल प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, और सुभा मेहता जी जॉइंट डायरेक्टर, सूरज सिंह जी राठौर साहब सीईओ, और इसके साथ साथ ही अशोक रैना साहब, मनहास साहब, और भी बहुत सारे ऑफिसर जो हैं इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जिनके लिए भी आज कार्यक्रम था, ऐसे मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि हमारे मध्य में विद्यार्थियों के रहे नेता, ऐसे हमारे अरुण सिंह जम्वाल साहब भी हैं जो युवा मोर्चा का दायित्व निभा रहे हैं, राजीव चाणक जी भी हैं, ये राजनीति क्षेत्र से हैं, और इसके साथ ही मोहिंदर जी हैं, और भी बहुत सारे शांति स्वरूप जी, और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो दूरदृष्टि सोच है। आज विद्यार्थियों के साथ चर्चा करके उनके दिल में जो शंकाएं हैं उनको दूर करना और फिर उसका समाधान देना, परीक्षा में कैसे हम उत्तीर्ण हों, और अगर परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। विद्यार्थियों को इंतजार रहता है कि कब प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ रूबरू होंगे और हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और हमारी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करेंगे। तो आज पूरे देश भर में
परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से विद्यार्थी जो है वो प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने अपने प्रश्न उनके पास रखे, उनका उत्तर उनको मिला। आज विशेष बात ये रही कि भाई जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने भी हर एक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों को दिखाया और विद्यार्थियों को सुनने का मौका भी मिला। मैं जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग का आभारी हूँ। और आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का उत्तर जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दिया, लेकिन विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान तो हो चुका, लेकिन साथ ही आज प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए भी कुछ बातें कही हैं और विशेष तौर पर विद्यार्थियों के माता पिता के प्रति उनका क्या दायित्व और फर्ज बनता है आज के जमाने को देखते हुए, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने जो है वो बात की है। तो आज के कार्यक्रम को देखकर लगता है कि विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह है और जो जिज्ञासा जो प्रश्न विद्यार्थियों को मन में रहते हैं उसका समाधान प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ मिसालें देकर भी विद्यार्थियों को समझाने का जतन जो है वो किया। तो बहुत ही अच्छे माहौल में आज का जो कार्यक्रम टीचर भवन जम्मू में हुआ है, जो शिक्षा विभाग ने आयोजित किया था और जिसमें लगभग 450 के करीब विद्यार्थी थे, हमारे बहुत सारे शिक्षा विभाग के अपने स्पेशल सेक्रेटरीज और समग्रा के हमारे डायरेक्टर और बाकी विभागों के भी ऑफिसर जो थे, उन्होंने भी अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को देखा। बहुत अच्छे माहौल में यह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। धन्यवाद।